तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube पर कमेंट को शो कैसे करेंगे। यानी कि गाइस, जब भी आपका कोई वीडियो पे कमेंट आता है तो वो कमेंट आपका शो नहीं करता है, और आप वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपका एक भी कमेंट शो नहीं करता है। जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब वीडियो पर, जो भी आपका कमेंट करते हैं आपके ऑडियंस या आपके व्यूवर्स, आपका कमेंट वहाँ पे शो नहीं करता है, ना तो वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन में, ना तो यूट्यूब को ओपन करते हो वहाँ पे भी नोटिफिकेशन में आपका शो नहीं करता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और कहीं पे भी कमेंट शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में तीन तरीका बताऊंगा। अगर आप ये तीन तरीके कर लेते हो तो आपका कमेंट 100% शो करने लगेगा, चाहे वो वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन में हो या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन में हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यूट्यूब एप्लीकेशन का कॉमेंट शो करने के बारे में बताऊँगा और आपको वह सेटिंग करने के बारे में बताऊंगा जहां से आप कमेंट को शो करवा सकते हो। तो आपको यहां पे यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आपका यूट्यूब खुल करके ओपन हो जाएगा, तो आपको जिस भी चैनल से का कमेंट को शो करवाना है वो चैनल को आप यहां पे लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहां पे एक चैनल को लॉगिन करके रखा हूं, तो मैं इस अपने चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करता हूं। तो आप भी अपने चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद गाइस आपको यहां पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सेटिंग का। सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहां पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, तो आपको ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने में फिर से नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिविटी ऑन माई चैनल, इसके नीचे में लिखा हुआ है नोटिफाई मी अबाउट कमेंट एंड अदर एक्टिविटी ऑन माय चैनल फॉर वीडियोस। यहाँ पे अगर आपका ऑफ रहेगा, इस तरीके से ऑफ रहेगा, तो आपका कभी भी कमेंट नहीं आएगा। आप अगर जानबूझ करके या फिर गलती से भी आकर के यहाँ पे ऑफ कर देते हो, इसी कारण से आपका यहाँ पे कमेंट जो है कि शो करना बंद हो जाता है। कमेंट तो आपके व्यूवर्स करते हैं आपके वीडियो पे, बट आपको वहाँ पे कमेंट शो नहीं करता है, तो ऐसा ऑफ रहता है। तो आपको यहाँ पे इसे क्या करना है, ऑन कर देना है। इस तरीके से ऑन कर देने के बाद आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। जो भी एक्टिविटी करेंगे आपके व्यूवर्स, आपके वीडियो पर कॉमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपका यहाँ पर पता चल जाएगा। और एक यहाँ पर ऑप्शन है गाइज, नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिप्लाई टू माय कमेंट्स, और यहाँ पे उसके नीचे में लिखा हुआ है छोटी अक्षर में नोटिफाई मी अबाउट रिप्लाई टू माय कमेंट्स। इसका करने का मतलब है, अगर आपके वीडियो पे कोई कमेंट करता है, आप उसे रिप्लाई करते हो, फिर वो रिप्लाई करने के बाद जो आपके वीडियो कमेंट का रिप्लाई करता है या फिर कोई जवाब देता है या कमेंट करता है, रिप्लाई करता है, उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑफ रहेगा, तो आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, इस तरीके से रहता है। अगर आप वहाँ पर पहली बार करोगे, अगर आपका कॉमेंट शो नहीं कर रहा होगा, आप यहाँ पर आओ, ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको रिप्लाई करने का जो हैगा, तो रिप्लाई वाला कॉमेंट आएगा वो भी शो करने लगेगा, और आपके यहाँ पर वीडियो में जो भी कॉमेंट आया होगा, जो भी बंदे कमेंट करते हैं, वो भी कमेंट आपका यहाँ पे शो करने लगेगा YouTube एप्लीकेशन में। आप यहाँ पे इस तरीके से करके YouTube का कमेंट को शो करवा सकते हो। उसके बाद जब बात करते हैं कि वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन का कमेंट को कैसे शो करवाएंगे, तो आपको यहाँ पे वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। जो भी आपका चैनल लॉग इन होगा, यहाँ पे लॉग इन दिखाया जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे में आपको पांच ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आप जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते होंगे, तो जो है मेरा यहाँ पे कमेंट शो कर रहा है, तो आपका यहाँ पे कमेंट शो नहीं कर रहा होगा, या फिर एक दो कमेंट शो कर रहा होगा। उसके बाद आप व्यू मोर के ऊपर क्लिक करते होंगे, तो आपका यहाँ पे एक भी कमेंट शो नहीं कर रहा होगा, जिस तरीके से मेरा कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जो कमेंट वाले ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इस कमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने में यहाँ पे तीन चार ऑप्शन नजर आएंगे ऊपर में, तो आपको यहाँ पे पब्लिशड वाले जो ऑप्शन नजर आ रहा है बीच वाले, या पब्लिशड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे होल्ड फॉर रिव्यू, इसके ऊपर क्लिक होगा। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पे मेरा दो कमेंट तीन कमेंट शो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे और कमेंट मैंने शो ही नहीं कर रहा है। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को दिखाया हूँ कि कमेंट शो कर रहा था, तो यहाँ पे दो तीन कमेंट शो कर रहा है, तो आपका इस तरीके का प्रॉब्लम होता होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे हेल्ड फॉर रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे पब्लिसिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिसिटी के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपका जितने भी कॉमेंट होगा वो सारा का सारा पब्लिक हो जाएगा, और आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जितने भी कॉमेंट आपके आते होंगे। तो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पे वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन का भी कॉमेंट को शो कर लेना है। उसके बाद गाइज आप बात करते हैं कि यहाँ पे दो तरीके के करने के बाद भी आपका कमेंट शो नहीं करता है, आपका कहीं वाई टू स्टूडियो एप्लीकेशन में भी कमेंट नहीं आता है, और ना ही फिर यूट्यूब एप्लीकेशन में भी कमेंट आता है, शो नहीं करता है, इतना तरीका करने के बाद भी, सेटिंग करने के बाद भी, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और आपको अपने फोन की क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है।
उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन हो जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल को डैशबोर्ड मोड में ओपन कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी जूम करना है। जूम कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ पे छोटी सी आइकन दिखाया जा रहा होगा सेटिंग का, उस सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद गाइज आपको यहाँ पे 5-6 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, कम्युनिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो यहाँ पे 4वें नंबर पे 5वें नंबर पे लिखा हुआ है कम्युनिटी, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका सामने में फिर से नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है कि डिफॉल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डिफॉल्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने में फिर से नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमेंट ऑन योर चैनल, आपका यहाँ पे कॉमेंट से रिलेटेड सारी यहाँ पे सेटिंग दी गई है। अगर आपका यहाँ पे ऑल कॉमेंट, जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है अलाउ ऑल कॉमेंट, इसके ऊपर टिक लगा हुआ होगा तो आपका कॉमेंट 100% आ जाएगा। जिस तरीके से मैं पहले बता दिया हूँ सेटिंग, उस तरीके से करने के बाद कमेंट आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट के ऊपर टिक नहीं रहता है, आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे टिक लगा हुआ रहता है, तो आपका यहाँ पे कमेंट जो है कि होल्ड कर दिया जाता है, आपको वहाँ पे कमेंट कभी भी शो नहीं करेगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे कमेंट बंद भी हो जाता है, आपके ऑडियंस कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से करने के बाद अगर आपका रहता है तो आपका कमेंट कभी भी शो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ ऑल कमेंट के ऊपर टिक कर देना है। इस तरीके से करने के बाद आपका कमेंट जो भी होगा सब दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों ये 3 तरीका अगर आप कर लेते हो तो आपका कमेंट 100% शो करने लगेगा, चाहे वाई2 स्टूडियो एप्लीकेशन में हो या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन में हो। हाँ, आसानी से 100% आपका कमेंट आने लगेगा, चाहे आपके व्यूवर्स जो भी कमेंट करे जो भी लिखे तो आपको 100% दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से अपना करके अपने कमेंट को शो कर सकते हैं और आप अपने कमेंट नॉट शो के प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं इसी तरीके कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।